guy. Duh. फिर एक दो वीक हो चुका है, अ गाय नेम्ड ग्रीक ऑफिशियल, उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक IGTV बनाया था विच वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट BTS एंड हिज मेन फोकस वॉज ऑन कोरियोग्राफी ऑफ BTS कि वो खुद नहीं करते और दूसरों का कोरियोग्राफी कॉपी करके बनाते हैं. एंड एज यूजुअल सबको पता है कि वो एक ही चीज़ BTS के अगेंस्ट यूज करते हैं, वो है क्लीन शेव्ड एंड दे टर्म दैट एज गे. उसी के ऊपर उसने पूरा एलेबोरेट करके 8 मिनट या 9 मिनट का एक लंबा वीडियो बनाया था एंड दैट वॉज कम्प्लीटली टेरेबल क्योंकि सारे होल वीडियो में इट वॉज ओनली अबाउट कोरियोग्राफी ऑफ BTS एंड नथिंग एल्स. ही वॉज कम्पेयरिंग हिमसेल्फ विद BTS दैट ही कैन बेटर परफॉर्म, BTS से अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकता है एंड लिटरली दैट वॉज फनी एनफ. आई विल शो यू द वीडियोज टू and also I'll say about it. We are BTS. क्या तो पता लगी क्या होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? None and only BTS back then guy. So भैया let me tell you first, BTS का full form Bangtan Sonyeondan है, जिसका मतलब है bulletproof boys. अगर आपको नहीं पता पहले सर्च कर लो गूगल पर, अच्छे से रिसर्च कर लो फिर वीडियो बनाओ, ऐसी आधी अधूरी झूठी बातें दिखाकर आपको क्या मिल जाएगा. BTS का फुल फॉर्म नहीं पता और BTS के ऊपर वीडियो बनाने चले गए. BTS इज अ K-pop बैंड विच मीन्स कोरियन बैंड एंड इट इज नॉट ओनली फेमस इन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड. ऐसा कोई नहीं है जो BTS को नहीं जानता हो और उसका फैन ना हो आर्मी से. और उनको जज करने से पहले उनके लेवल का भी तो होना चाहिए ना. जज करने चले हैं और BTS के बारे में कुछ पता ही नहीं. तो BTS एक डांस ग्रुप है जिसके अंदर 7 लड़कियां, तो ये 7 लड़कों का एक ग्रुप है, डांस ग्रुप, ये सिंगिंग करते हैं अपने सॉन्ग्स एल्बम्स एंड बाकी भी अपने यूट्यूब पे डालते हैं, पॉइंट अपलोड करते हैं वीडियोस एंड लो. फिर वही बात, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भैया. उनको लड़की बोलने के लिए आपके पास कोई भी हक नहीं है. बियर्ड नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग लड़की है या फिर गे है. दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड यू हैव नो राइट टू जज देम अपॉन दैट. सो भैया के हिसाब से BTS बस एक डांस ग्रुप है और उससे कुछ ज्यादा नहीं है. सीरियसली मैन, BTS गाना गाते हैं, डांस करते हैं और परफॉर्मेंस भी देते हैं, वो तीनों एक साथ करते हैं एंड इट्स रियली अ डिफिकल्ट टास्क टू डांस एंड सिंग एट द सेम टाइम. पर भैया को समझ नहीं आ रही, उनको लगता है कि BTS सिर्फ एक डांस ग्रुप है. सो दे डोंट ओनली अपलोड वीडियोज ऑन यूट्यूब ओनली फॉर व्यूज, दे आर मच मोर देन दैट. वो लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं. ओनली यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया नहीं है. लगता है आपको BTS के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप वही कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए सारे रोस्ट वीडियोज देख के BTS के बारे में और वीडियो बनाने आ गए, पता तो कुछ भी. एंड इतने फेमस है अपना नाम ले ले एंड क्राउड पागल हो जाता है, लिटरली पागल, जैसे कि आप देख सकते हैं. राइट, यहां हाय आई एम वी, हे आई एम जी, सॉरी आई वाज नॉट. अकॉर्डिंग टू मी, वी ने जो बोला था कि उसका नाम वी है व्हिच मींस विक्ट्री, पर यहां पे भैया ने जी बोला. जी से क्या हो सकता है? वो भैया तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे जी से तो गे होता है, मतलब आपका नाम भी जी है तो जी का मतलब वही हुआ ना. Am I right? इससे जल्दी की बुआ रही है. ओ भैया आपको तो जलन हो रही है इनसे. लगता है भैया के पास कोई निप भी नहीं है, इसीलिए शायद ये सब सहन नहीं कर पा रहे. सो सैड भैया, आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है. अगर तेरे को यही लगता है कि BTS के सिर्फ फीमेल फैंस हैं, सिर्फ लड़कियां ही BTS के फैन हैं, तो लेट मी टेल यू, तेरे से बड़ा अनपढ़ गवार और कोई नहीं है. तो पहले जाके थोड़ा गूगल पर सर्च कर फिर आके वीडियो बना. कितने सारे फेमस सिंगर्स BTS को सपोर्ट करते हैं और ये बच्चा चला है BTS को हेट करने, जिसको पता भी नहीं है BTS के बारे में क्या, कुछ भी नहीं पता. मुझे लगता है BTS वाली जो है ना लड़कियों का फैन बेसिंग की लगी दुनिया, ये लड़की खो जाते हैं, सुबह उठते गाना सुनते BTS का, रात को सोते गाना सुनते, दोपहर को 4 स्टोरी, शाम को 2 स्टोरी. ये इनको कोई लेना देना नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है. BTS इज बेस्ट. यस. ओ, तुझे बड़ी चिंता हो रही है दुनिया के लोगों के बारे में. अच्छा, बिना कुछ किए ही तुझे बहुत चिंता हो रही है लोगों की, इसीलिए तो BTS को यूज करके सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए अभी यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा है. और तुझे चिंता है कि कोरोना के टाइम में कितने लोग मर रहे हैं, उससे थोड़ी सी भी फिक्र होती ना तो ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ये टॉपिक यूज करके अभी वीडियो नहीं बनाता और खुद की इतनी बड़ी.
BTS को यूज करके लाइक्स और व्यूज कलेक्ट करना चाहता है ये बंदा. बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है BTS को कैसे यूज करके थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए. इसे बड़ी चिंता है लोगों की, इसीलिए अभी खुद ही देख लो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट. और बात करते हैं डांस के बारे में, BTS वालों के डांस के बारे में. कि यार क्या ये अपना डांस खुद कोरियोग्राफ करते हैं? जी नहीं, इनका कोरियोग्राफर ये है और अलग अलग डांस का अलग कोरियोग्राफर है जी. आप सर्च करना इनका गूगल पर, सर्च करो खुद आ जाएगा कोरियोग्राफर ऑफ BTS टीम, तो खुद आएगा. तो यार इनका मतलब खुद डांस भी कोरियोग्राफी करते हैं. बॉलीवुड एक्टर जो है वो टाइगर श्रॉफ और भी वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, तो है ना, कोई कोरियोग्राफी सीख के ऑन स्क्रीन डांस कर सकता है. एंड उनमें से क्या मैं भी हो सकता हूं कि मैं कोरियोग्राफी सीख के डांस कर सकता हूं. भाई तू सुन, ये आधी आधी चीजें जाके किसी और को सुन जो तेरे जैसा अनपढ़ गवार और गधा हो. जिस कोरियोग्राफर के बारे में तू बोल रहा है उसने बस BTS का एक ही सॉन्ग के लिए कोरियोग्राफी में हेल्प किया था, एक ही सॉन्ग के लिए, और बाकी मोस्टली सारे सॉन्ग्स वो खुद ही कोरियोग्राफ करते हैं. सो दिस नो पॉइंट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उस कोरियोग्राफर ने बस एक ही गाने के लिए किया था. एंड विगेड हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट कोरियोग्राफर्स फॉर BTS टू मेक देयर कोरियोग्राफी मोर बेटर, बट उन लोगों के पास टैलेंट है अपना कोरियोग्राफी खुद बनाने के लिए, इसीलिए वो किसी की हेल्प नहीं लेते और खुद बनाते हैं. और तुझे लगता है कि वो किसी और की कोरियोग्राफी कॉपी करके अपने गाने में यूज करते? महान है, बहुत महान. सब ऑन स्क्रीन डांस कर सकते हैं कोरियोग्राफी सीख कर, बट भैया डांस के साथ साथ गाना गाना इज नॉट अ ईजी थिंग. मैं बस BTS के बारे में ही नहीं बोल रही, सारे K-pop बैंड्स डांस के साथ साथ ही गाना गाते हैं, विच इज अ टफ टास्क टू डू. हाँ तो यार, तो बस ये कहना चाहता हूँ, आप किसी को कोई कंपैरिजन करेगा तो जो कि आशा की जो भी फैन बेस है वो सिर्फ कंपैरिजन में लगी हुई है कि वही बेस्ट है वही बेस्ट है. तो तुम बता सकते हो BTS से भी अच्छे अच्छे डांसर्स सिंगर्स बहुत है यार, बहुत, बस उनको चांस नहीं मिलते, इनको चांस मिलते. ऑफ कोर्स आई एग्री एंड आई एडमिट BTS इज द बेस्ट. मेरी मर्जी, मेरी ओपिनियन, BTS मेरे लिए बेस्ट है, सारे आर्मी के लिए BTS बेस्ट है, बट वी डोंट कंपेयर देम विद एनीवन लाइक यू आर डूइंग इट राइट नाउ. एंड वी डोंट स्पीक अगेंस्ट एनीवन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग को कोई नहीं जाता, हम लोग का कुछ नहीं जाता. हमारे लिए BTS बेस्ट है, बेस्ट है. एंड ऑफ कोर्स किंग्स कैन नॉट बी compared with their slaves. तो BTS से भी अच्छे अच्छे डांसर्स सिंगर्स बहुत है, बहुत, बस उनको चांस नहीं मिलते, इनको चांस मिल गया ये बहुत पॉपुलर हो गए एंड वो यार एक बहुत ज्यादा पुश मिला, दैट्स व्हाई ये बहुत फेमस है. एंड और यार बाकी तो कौन सा तुम करते वाह भैया, इसको चांस मिल गया. ओ क्या तूने दिया था उनको ये चांस? लगता तो नहीं. तो सुन, कोई ऐसे हवा में ही जाके नहीं पहुंच जाता, इट्स देयर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड कॉन्स्टेंट एफर्ट जिसकी वजह से आज वो वहां है एंड जहां तू पहुंचने की सोच भी नहीं सकता. जो इनकी ऑडियंस है जो कि हेट करने लग जाती है, इनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, इनकी लुक्स को देख के हेट लग जाती है. तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग यार, किसी की पर्सनैलिटी एंड किसी की लुक्स को देख के हम किसी को भी जज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना राइट नहीं है या इतनी इतनी भी गलत सोचने की हम किसी को देख के या पर्सनैलिटी देख के सोच करें. बट डांस ग्रुप है जिसके अंदर 7 लड़कियां, तो पहले तो वीडियो स्टार्टिंग में बोलता है कि 7 लड़कियां थे और अभी बोल रहा है कि लुक्स के ऊपर जज नहीं कर सकते. मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होगी जो कि तूने पहले से पार ही कर ली. तेरी बातें तो इतनी जल्दी बदल रही है जितनी जल्दी हमारे यहाँ मौसम भी नहीं बदलते. तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बुरा है, एक चीज़ तो बताना ही भूल गई, भैया का मैथ्स बहुत ही अच्छा है. एक उनके एक रील में सिर्फ 2K व्यूज है, मतलब 2000 पर उन्होंने लिखा है 200K, मतलब 200 प्लस 000 जिसका मतलब 2 लाख. 2000 को भैया ने लिखा है 2 लाख. इनका मैथ बहुत ही अच्छा है, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम.